न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मैच, एक नाम रातों रात उभर कर आता है, डेविड कॉनवे। जी हाँ, डेविड कॉनवे ने एक ऐसा डेब्यू इतिहास रच दिया है जिसको तोड़ पाना लगभग अब असंभव हो सकता है। उन्होंने अपने पहले ही मैच में, पहली ही पारी में, टेस्ट की जो खेल रहे थे उसमें 200 रन बनाकर वे आउट हुए। हालांकि वे रन आउट हो गए, अगर वे रन आउट नहीं होते तो एक विश्व रिकॉर्ड बन सकता था कि कोई भी डेब्यू प्लेयर ओपनिंग करने आता है और पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और वह प्लेयर आउट नहीं होता है। इससे पहले डब्ल्यू जी ग्रेस ने अपने डेब्यू मैच में 1880 में 152 रन, उसके बाद रणजीत सिंह जी ने 1896 में 154 रन की पारी खेली थी। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज इनसे ज़्यादा रन नहीं बना पाया। डेविड कॉनवे की जो यह पारी थी अब उनके लिए कहीं ना कहीं टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए एक दावेदारी केन विलियमसन के सामने रख दी। हालांकि मैच की बात की जाए तो पहली पारी में जो बारिश ने काफ़ी बाधा डाली, उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड डेविड कॉनवे के ऐतिहासिक पारी की मदद से 378 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड 278 रन पे ऑल आउट होती है और उसके बाद न्यूजीलैंड दूसरी पारी खेलने आती है और डेविड कॉनवे जल्दी ही आउट हो जाते हैं। अभी उसके स्टंप तक, चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक, 62 रन पे 2 विकेट है। अब देखिए क्या होता है इस मैच का परिणाम, जो बारिश से बाधित है, लेकिन यह मैच डेविड कॉनवे के रूप में ज़रूर याद रखा जाएगा। आप देख रहे थे खेल नीति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।